हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम वेलशर्स टू गाइस ब्रह्मानंद की कॉमेडी सीरीज लेकर आए हैं। इस पर क्लिप्स वगैरह सारी चीजें सजेस्ट कर लेकर आएंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और मैंने 500, इतना ही नहीं, मैंने लेट के भी 200 परिक्रमाएं लगाई। अरे क्या हुआ, परेशानी है क्या? 7.5 फुट ऊंची कमान 4.5 फुट के आदमी से कैसे टकरा सकती है? मौत अपनी जिद पे आ जाए तो जिसे मारना है उसे मारे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। चुनाव जीतने तक नेता जनता की जान नहीं छोड़ते, ये सुना है? ये मौत जिद पर आ जाए, ये कहाँ से निकाला? विनाश काले विपरीत बुद्धि, योर बैड टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मौत का ग्रह लग्न से डायरेक्टली 8वें घर में गोचर हुआ है। ये घर का स्थानांतरण अच्छी बात है या बुरी बात? सारे निकम्मे मुझ पर ज्ञान थोपने आ गए। ये तेरे सिक्स पैक मेरे फैमिली पैक के सामने कुछ नहीं है। अरे बाप रे, मुझे बजरंग बली बना दे, मुझे खली। जब बजरंग बली बना दे। बचाओ, ओ बचाओ, मम्मे बचाओ, बजरंग बली टूट गई, मेरी हड्डी पसली है। मम्मे मेरी हड्डियों का भरता बन गया, भुर्जी बन गई है। तुम्हारे दिन बुरे आ गए हैं। ये 200 किलो है, सच में भुर्जी बन जाती। बाप रे, दरवाजे की कमान सिर पे गिरी, अब ये 200 किलो। माजरा क्या है? मौत जिद पे आ जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती बच्चा। जगत के सबसे बड़े स्वामी महाप्रभु, महासंत महंत, मेरी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या समस्या है बापू रे? आपने कहा था कि मौत मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने की जिद पर अड़ी है, मुझे हैदराबादी बिरयानी समझ के डिनर में खाना चाहती है। स्वामी की भविष्यवाणी पे विश्वास करते हो या नहीं? 110% करता हूँ। मृत्यु मेरा पीछा छोड़ दे, इसके लिए क्या करूँ स्वामी? उपग्रह गुरु जी। जी समझ गया जी। आपने क्या कहा गुरु जी, और इसने क्या कहा, क्या समझा? अगर हो सके तो मुझे भी समझाइए। आंखें बंद करो। लीजिए, कर ली। ये क्या है स्वामी? ये सत्य की अग्नि है बच्चा। हाँ। काशी जाके अपने पितरों का पिंड दान करो, फिर तो जीवन में शांति आ जाएगी। अगर मौत से बचना है तो सत्य की अग्नि के समक्ष मेरे सवालों का सही सही जवाब दो बच्चा। मौत यू टर्न ले लेगी। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सनी लियोनी। रॉन्ग आंसर। मेरा देश। ऐसा राज बताओ जो बताया ना होगा दे। अब मैं आपका अर्थ समझा, बताता हूँ। लंबी लंबी छोड़ना है। अगर लंबी उम्र तक अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो आज से और अभी से ये झूठ बोलना बंद कर दे। सिर्फ आज के लिए ना? नहीं, 14 दिनों तक, 14 घंटों तक, 14 मिनट तक, 14 सेकंड तक एक भी झूठ मत बोलना। अगर किसी की बुराई ना करूं तो पेट में पित्त होने लगता है, मेरी वायु समस्या का निवारण कीजिए स्वामी। तेरी गैस की समस्या का इलाज है मेरे पास, इधर आ जा। दीजिए जल्दी। गैस का स्टोव देखा है ना? हाँ। उसके ऊपर जाके बैठा। भाई, एक सरकारी अफसर अपनी माइंस की कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रहा है। उसे पापा का नाम नहीं बताया? वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगली बार अगर वो कुछ बोले तो उसे काट देना। अजय, सही वक्त आ गया है कजा को अपने हुस्न के जलवे दिखा के अपने जाल में फंसाने का। ये हॉट कॉफी ले जाओ और उसका हीटर ऑन कर। फेरों से ठीक पहले गजा को अपनी बाहों में कैद करके रखना होगा, उसके बाद क्या करना है आप उन जानता है। गजा जी, कॉफी। अरे मगर तुम क्यों लेकर आई हो? घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, इसीलिए मैं ही ले आई। ठीक है, टेबल पे रख दो। हाँ। लुखे ने तो ध्यान ही नहीं दिया। ओए माँ, अयो छिपकली, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अरे गजा, वो ये छिपकली देखकर डर गई। मुझे दूध वाली कॉफी नहीं पिलाओगी? अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठहर के मोहिनी, यहाँ रख दो। छिपकली, छिपकली, छिपकली से तुम्हें डर लगता है ना? ओ, अरे हाँ, छिपकली से डर लगता है। क्या कर रहे हो? चलो
अब ये भी कॉफी ना मांग ले। मुझे कॉफी नहीं मिलेगी। अभी लेके आती हूँ। बेटी कुशल कुमारी, कुशल कुमारी दरवाजा खोलो, तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ बेटी? छिपकली, छिपकली, तुम भी छिपकली से डर रही हो? निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ। तुम कब से छिपकली से डरने लगी? अंकल, मैं डर गई थी छिपकली से। पापा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किस लिए आए हो? मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई दी। हम भी आवाज सुन के यहाँ आए हैं। ओके, इतनी बड़ी होके बच्चों की तरह डरती हो? चलो यहाँ से, चलो। अगली बार जब अपने बगीचे पर जाए ना, तो मेरे लिए दर्जन भर बड़े संतरे ले आइएगा। हाँ, जरूर ले आऊंगा। बेटी तुम्हें भी चाहिए? हाँ, उसे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम दोनों मिल बांट के खा लोगी? हाँ, दो संतरे अपने पास रख के बाकी उसे पकड़ा दूंगी। कितना बड़ा दिल है इसका। मैं दोपहर तक ले आऊंगा। हाँ, चलिए चलते हैं, इन्हें खेलने दो। थैंक यू कुकु। इट्स ओके। तुमने हमारी प्रॉब्लम समझ के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। हे देवी माँ, होने वाली बहू को देखने के लिए अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोल भी देगी तो पट्टी में से कैसे देख पाएगी? स्टूपिड डैड, इज शी गांधारी? शी लुक्स लाइक स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ जस्टिस कोर्ट में होता है। ये उनकी दादी की दादी की परपर दादी है। उस जमाने में आई सर्जरी की फैसिलिटीज नहीं मिलती थी ना। जब आईज का कोई इलाज नहीं हुआ तो एक दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम्हारी आंखों पर भी बांध दूंगा। नहीं, नहीं, आप क्या कह रहे हैं ग्रहराज जी? मुझे विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलेगा। ग्रहों में लिखा, मैं क्या करूं? आप एकदम सही कह रहे हैं। आई अप्रिशिएट दिस। कब से इसे यही बात समझा रहा हूँ। इस जन्म में मैं इसके बच्चों की माँ नहीं बन पाऊंगी तो हनीमून का क्या फायदा? दो चीजें अवश्य होंगी। किसके साथ? हर हर महादेव शंभू शंकर। मेरा एंटेना कहता है कि तुम ऐसे घर की बहू बनोगी जहाँ एक छत के नीचे तीन भाई रहे। तीनों भाई से शादी होगी? तीन, एक से मुझसे ही होगी। आरती संपन्न हो चुकी है, पूजा शुरू करते हैं। माता का नक्षत्र मूल नक्षत्र है। जिसका भी मूल नक्षत्र है कृपया आगे आ जाए, मूल नक्षत्र का जो भी हो। मुंडी इधर घुमाइए स्वामी, आपके सामने जो खड़ा है मूल नक्षत्र में ही पैदा हुआ है। बताइए मुझसे क्या करवाना है? आज पता चला न्याय देवता को कैसा लगता होगा। सुनिए, माता की तरह ये भी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको जो भी माता से कहना हो इनसे कहिए। साक्षात माता इनके कानों से आपकी बात सुनेंगी। तुम हमारे घर की बहू बनोगी, पहले तुम जाओ। देवी माता, ये शादी रुकवा दो। शादी करनी तो है पर अपने लवर से। आपको ये काम करना ही होगा। शादी रुकवाना चाहती है, लवेरिया है। तुम हमारे मेहमान हो, अब तुम जाओ। हनी जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी करवा दो। इसे कैसे पता कि हनी किसी और से प्यार करती है? थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। पांडवपुरम की लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। क्या हलवा है क्या? वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है। माता, मोहिनी का मिलन मुझसे करवा दो। इस दिल के अंदर जो तूफान उठा है उसे किनारा मिल जाएगा। गंदी सोच, किसी और की गर्लफ्रेंड पर नजर। मैं जानता हूँ भाई ने क्या मांगा होगा। अगर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें 2000 के 6 नए नोट दूंगा। बस ये देसी रबड़ी एक बार मुझे टेस्ट करा दो। अरे मोहिनी कोई लकी ड्रॉ है जिसे हर कोई जीतना चाहता है? ठरकी कहीं के। मैं मोहिनी। ओह, तुम्हारी भी कोई इच्छा है? माता, आशीर्वाद दीजिए कि कुशल कुमारी मेरे होने वाले बच्चों की माँ बन जाए। कुशल कुमारी मोहिनी के बच्चों की माँ? लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। इतने सारे लोगों में मुझे ही मून नक्षत्र में क्यों पैदा होना था? अंधारी माता, मैं कुकू हूँ। तुम्हें भी कुछ कूकना है? हाँ, पापा को ट्रेडिशन से प्यार है। हाँ। वो मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं। हाँ। पर मुझे किसी से प्यार है और उसी से शादी करनी है। चलो अगला, अगला कौन है पगला? जय माता की। समझ गया बको। मेरी जिंदगी पूरी बेस्वाद हो चुकी है। अंदर की बात बताऊं, मुझे सत्या के हुस्न का जाम पीना है, बस एक बार, प्लीज। पूछता हुआ दिया टिमटिमा रहा है। साले साहब, पहली वाली रिक्वेस्ट माता जी के लिए थी, अब कान खोल के सुन। अगर किसी को भी एक शब्द कहा तो तेरी जिंदगी का दिया बुझा दूंगा। जय माता की। जय माता की। यार माता जी आ गए।
लड़की ठरकी बने हुए शुरू में ब्रह्मानंद को डराया, मजा आ गया यार। मम्मी के लाभ के बताया, बहुत ज्यादा कार्यक्रम।